नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है ब्रैडले का पूर्णतावाद, परफेक्शनलिज्म। मानव जीवन के नैतिक आदर्श की दृष्टि से ब्रैडले मूलतः आत्मपूर्णतावाद को ही स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि संपूर्ण विश्व की एक ही आध्यात्मिक अंतिम सत्ता है, जिसे चैतन्य तत्व कहा जा सकता है। वो आदर्श मूलक अध्यात्मवादी दार्शनिक हैं और उन्होंने मानव जीवन के लिए मूल नैतिक आदर्श की व्याख्या की। उनके विचार में आत्म साक्षात्कार की मनुष्य का उच्चतम नैतिक आदर्श है, जो समाज में रहते हुए आत्मज्ञान की उपलब्धि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वे ये मानते हैं कि समाज में ही मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है और सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उसके नैतिक आचरण का महत्व है। मनुष्य के नैतिक आचरण की दृष्टि से ब्रैडले इस बात को विशेष महत्व देते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करे। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे वे मेरा स्थान और उसके कर्तव्य की संज्ञा देते हैं। ब्रैडले का मत है कि व्यक्तियों की योग्यताओं और क्षमताओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, अतः समाज में उनके कर्तव्य भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अपने विशेष स्थान के अनुसार ही अपने समस्त कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। ब्रैडले ये स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति को अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार समाज में अपने लिए उपयुक्त स्थान या पद चुनने का अधिकार है, लेकिन एक बार इस स्थान का चुनाव कर लेने के पश्चात उसे इससे संबद्ध समस्त कर्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए। यदि श्रमिक, कृषक, अध्यापक, वकील, प्रशासक, चिकित्सक, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का पालन भली भांति करे, तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों का समुचित विकास हो सकेगा। ब्रैडले का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने स्थान या पद के अनुसार अपने समस्त कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करके ही अपना नैतिक उत्थान कर सकता है और समाज की उन्नति में भी योगदान दे सकता है। इसी कारण वे कहते हैं कि मनुष्य के आध्यात्मिक और नैतिक विकास का मार्ग समाज में अपने पदानुसार निष्ठापूर्ण कर्तव्य पालन है। समाज में अपने पद और स्थान के अनुसार अपने दैनिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए हम दूसरों की सेवा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्राकृतिक शक्तियों का समुचित विकास भी कर सकते हैं। ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर सकता, किंतु वह अपने दैनिक कर्तव्यों की भलीभांति पूर्ति करके कुछ व्यक्तियों के कल्याण में योगदान कर सकता है और स्वयं भी आत्मसंतोष प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ब्रैडले के मतानुसार निष्ठापूर्वक अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए उच्चतम नैतिक जीवन का अनिवार्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवहारिक आधार है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों को ब्रैडले ने जो महत्व दिया, उससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि हीगल और ग्रीन की भांति वे भी नैतिक दृष्टि से मनुष्य के व्यक्तिक शुभ की अपेक्षा सामाजिक शुभ को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि वास्तव में समाज ही मनुष्य के लिए आत्मसिद्धि संबंधी उच्चतम नैतिक आदर्श को प्राप्त करने की अनिवार्य आधार भूमि है। हीगल और ग्रीन की भांति वे भी ये मानते हैं कि व्यक्तिक और सामाजिक शुभ में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का हित अंततः समाज के कल्याण में ही निहित है। व्यक्ति के एवं सामाजिक कल्याण के इस अनिवार्य संबंध के कारण ही ब्रैडले ने व्यक्ति के विकास के लिए आत्मसिद्धि और समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति के आत्मत्याग को परस्पर विरोधी नहीं माना। उनका मानना है कि आत्मसिद्धि और आत्मत्याग में जो विरोध प्रतीत होता है वो वास्तविक ना होकर भ्रम मात्र है। व्यक्ति का उन्नत नैतिक जीवन केवल समाज में ही संभव है, अतः समाज के अभाव में आत्मसिद्धि और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं हो सकता। आत्मत्याग का अर्थ है कि मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं अपने हित का त्याग कर दे। इस अर्थ में जो आत्मत्याग है वो मनुष्य की आत्मसिद्धि में बाधक होने के स्थान पर सहायक ही हो सकता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है और इस व्यापक सामाजिक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का अपना कल्याण निहित है।
यदि प्रत्येक व्यक्ति आत्मत्याग के मार्ग का अनुसरण करे अर्थात वे दूसरों के कल्याण के लिए अपने हित का त्याग कर दे तो उसका ये मार्ग सभी के कल्याण में सहायक हो सकता है जिसमें स्वयं उसका अपना कल्याण भी सम्मिलित है। इस प्रकार मनुष्य आत्मत्याग के द्वारा समाज के कल्याण में योगदान करने के साथ साथ स्वयं आत्मसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। और इसी संदर्भ में आत्मत्याग के द्वारा आत्मसिद्धि का जो अर्थ है वो समझा जा सकता है कि कैसे आत्मत्याग के द्वारा आत्मसिद्धि संभव है। शारीरिक प्रवृत्तियों और भावनाओं को बुद्धि में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ब्रैडली ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि मनुष्य को नैतिकता के अनुरूप ही जीवन क्यों व्यतीत करना चाहिए। उनका कहना है कि वास्तव में ये प्रश्न ही अनुचित है क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नैतिकता स्वतः साध्य न होकर किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। इसका अर्थ यह है कि ब्रैडले निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले मनुष्य के उत्कृष्ट नैतिक जीवन को अपने आप में ही शुभ मानते हैं। यही कारण है कि उन्होंने समाज में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों की पूर्ति को मानव जीवन के महान आदर्श के रूप में स्वीकार किया है। संक्षेप में ब्रैडले भी ये मानते हैं कि व्यक्ति और समाज के हित में कोई विरोध नहीं है जैसा कि मान लिया जाता है कि इन दोनों में विरोध है। दोनों का वास्तविक कल्याण तो तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय है वो ये कि श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को इसी प्रकार निष्ठापूर्वक सदैव अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध संबंधी उसके कर्तव्य का ज्ञान कराते हुए उन्होंने कहा है कि उसे परिणामों की चिंता किए बिना अपने इस कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण का कथन है कि ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य उनके जन्मजात गुणों के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात स्वाभाविक गुणों पर आधारित उसका अपना धर्म या कर्तव्य ही सर्वोत्तम है, अतः इसके अनुरूप आचरण करने से ही उसका कल्याण हो सकता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करना अनिवार्य मानते हैं। मनुष्य के लिए कर्तव्य की महत्ता एवं अनिवार्यता के संबंध में उनके इस मत पर काफी विचार हुआ और काफी इसकी अनुपालना की गई है। न्याय इतना कह देना ही पर्याप्त है कि ब्रैडले ने अपने नैतिक दर्शन में मानवीय कर्तव्य संबंधी जिस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया है उसका प्रतिपादन गीता में शताब्दियों पूर्व भी किया जा चुका था। अब यहाँ अंत में आत्मपूर्णतावाद की कुछ जो प्रमुख कठिनाइयां हैं उन पर भी संक्षेप में विचार कर लेना आवश्यक है। इस सिद्धांत के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जा सकती है कि इसके समर्थकों ने आत्मसिद्धि का जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। वे आत्मसिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य मानते हैं लेकिन उन्होंने स्पष्टतः ये नहीं बताया कि आत्मसिद्धि का ठीक ठीक अर्थ क्या है और मनुष्य की किन इच्छाओं की पूर्ति होने पर उसे आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। आत्मसिद्धि का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट न होने के कारण इस बात का ठीक निर्णय करना भी कठिन है कि किस प्रकार का आचरण इसकी प्राप्ति में बाधक या फिर सहायक हो सकता है। इस प्रकार आत्मसिद्धि के अर्थ की अस्पष्टता आत्मपूर्णतावाद की प्रमुख समस्या है। इसके अतिरिक्त ब्रैडले का जो प्रमुख सिद्धांत है मेरा स्थान और उसके कर्तव्य उसमें भी कुछ कठिनाइयां हैं जिसका भी एक संक्षेप सा उल्लेख हम कर सकते हैं कि इस सिद्धांत की मुख्य समस्या ये है कि हमारे कर्तव्यों में कभी कभी परस्पर द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, विरोध होता है। एक ही व्यक्ति एक साथ अनेक संस्थाओं का सदस्य हो सकता है जिसके फलस्वरूप समाज में उसके अनेक स्थान या पद हो सकते हैं जिनके कर्तव्य एक दूसरे से भिन्न और संभवतः कभी कभी विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने देश का नागरिक होने के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करने वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भी तो सदस्य हो सकता है। अब यदि उसके देश का किसी अन्य देश से युद्ध होता है तो एक निष्ठावान नागरिक होने के नाते इस युद्ध में अपने देश की सहायता करना उसका कर्तव्य है, किंतु विश्व शांति के लिए प्रयास करने वाली संस्था का सदस्य होने के नाते युद्ध को रोकना भी उसका कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में उसके लिए निर्णय करना बहुत कठिन हो सकता है कि वे अपने इन दो विरोधी कर्तव्यों में किसका पालन करें। इसी प्रकार आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण किसी व्यक्ति के लिए इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन हो सकता है कि
कि वह अपने माता पिता की आर्थिक सहायता करे या पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे। उसकी इस कठिनाई का कारण ये है कि वह अपने ऊपर आश्रित माता पिता के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व अनुभव करता है और पत्नी और बच्चों के प्रति भी। तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि व्यक्ति के भिन्न भिन्न कर्तव्यों में द्वंद्व की पर्याप्त संभावना है। ब्रैडले का ये जो सिद्धांत है वो मनुष्य के कर्तव्य में होने वाले इस प्रकार के द्वंद्व को कम करने या समाप्त करने का कोई संतोषजनक उपाय नहीं बताता। लेकिन हाँ, इन सबका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि नैतिक आचरण के लिए आत्मपूर्णतावाद का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः तो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण को दो समान रूप से ये महत्व देता है सिद्धांत। इसलिए ये जो सिद्धांत है वो सुखवाद, स्वार्थवाद आदि कुछ अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक संतुलित और बुद्धिसंगत प्रतीत होता है। तो ये था ब्रैडले का आत्मपूर्णतावाद, परफेक्शनलिज्म। धन्यवाद।